సార్వత్రిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ మానిఫెస్టోను విడుదల చేసింది। पार्टी जातीय अध्यक्षुडु खर्गे मुख्य नेतलु सोनिया गांधी राहुल गांधी तदितरलु न्यायपत्र पेरुतो ढिल्लीलो मेनिफेस्टोनी प्रकटिंचारु। उद्योगाल कल्पन संपद सृष्टि संक्षेम सूत्रालपै मेनिफेस्टो रूपोंदिंचारु। बीजेपी मेनिफेस्टोलो 2% अदानी वंटि वारु कोरुकुन्न उंटायनि विमर्शिंचारु कांग्रेस अग्रनेत राहुल गांधी। स्पोर्ट्स लो मैच रिग्गिंग मादिरिगाने इप्पुडु एन्निकलु उन्नायन्नारु। बीजेपी चेतिलो उन्न सीबीआई ईडी ऐटी तो नेतलनु बेदिरिंचि बीजेपीलो चेर्चुकुंटुन्नारनि आरोपिंचारु। అంతేకాదు నిధులు కూడా సమకూర్చుకుంటున్నారని మండిపడ్డారు। వాజ్పేయి హయాంలో ఇండియా షైరింగ్ అంటూ ఓదరగొట్టిన తరువాత ఎలాంటి ఫలితాలు వచ్చాయో ఇప్పుడు అవే ఫలితాలు వస్తాయన్నారు రాహుల్ గాంధీ। నరేంద్ర మోదీ జీనే జెసే అదానీ జీ కి మోనోపోలీ హై పోర్ట్స్ పర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పర్ డిఫెన్స్ మే वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। अगर आप बॉन्ड स्कीम्स को देखें तो उसमें साफ दिख जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी ने एक प्रकार से पॉलिटिकल फंडिंग एक्सटोर्शन से धमकी से प्रेशर से बनाई है। ప్రస్తుతం జరిగే ఎన్నికలు ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించేవి అన్నారు రాహుల్ గాంధీ। పదేళ్లలో ప్రజాస్వామ్యాన్ని మోదీ సర్కార్ కూనీ చేసిందని ఆరోపించారు ఆయన। बहुत जरूरी है कि जनता इस बात को समझे कि यह नॉर्मल चुनाव नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का संविधान को बचाने का चुनाव है और इसको लड़ना और जीतना बहुत जरूरी है। ये चुनाव 2-3% 5% और बाकी हिंदुस्तान के बीच में चुनाव है और जो बाकी हिंदुस्तान चाहता है वो इस मैनिफेस्टो में है। कांग्रेस मेनिफेस्टो पेद प्रजलकु अंकितमन्नारु मल्लिकार्जुन खर्गे। राहुल गांधी चेपट्टिन भारत जोड़ो न्याय यात्रलो अंदिस्तामन्न 5 न्यायालु 25 ग्यारंटीलु इंदुलो उन्नायन्नारु। युव न्याय किंद प्रति विद्यावंतुडिकी अप्रेंटिस गा पनिचेसे अवकाशं कल्पिस्तामन्नारु। इन 5 पिल्लर्स में से 25 ग्यारंटी निकलते हैं। युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं और उसके लिए हम 1 लाख रुपए उसके लिए हम एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएस की कानून की गारंटी भी हम देंगे और श्रमिक न्याय इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए ये न्यूनतम कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी जिससे सबको फायदा हो गया या किसी के फॉर में किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जातीय जनगणना करेंगे। वर्किंग कमिटी लो पूर्ति स्थाई लो चर्चिंची मैनिफेस्टो नु तैयार चेसिनट्लु पार्टी नेता कमिटी चेयरमैन पी चिदंबरम తెలిపారు। గత 10 ఏళ్లలో అన్ని రకాల న్యాయాలు ప్రజలకు అందలేదని ఆయన విమర్శించారు। Manifesto is justice. Every aspect of justice has been threatened, weakened, diminished and in some cases denied in the last 10 years. The overall theme of the Congress manifesto is 3 powerful words: work, wealth
and welfare. And over a 10-year period, Dr. Manmohan Singh's government had delivered 7.5% growth. Even the futile attempt by the BJP government to revise the figures made it 6.7%. But over the last 10 years, the average growth is only 5.8%. And if you count the year that ended on 31st March, given the inflated figures, it will still be 5.9%. The Modi government is a government of the rich, by the rich, and for the rich. This government is driven only by the interests of the top 1% of this country. But we have to look at the bottom 50%.